और महाभारत हमारे देश के दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें जीवन का सार छिपा है, और छिपे हैं ऐसे कई अनगिनत किस्से और कहानियाँ जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। आज मैं महाभारत से जुड़ी एक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, जो शायद आप लोगों ने महाभारत ग्रंथ में ना पढ़ी हो। ये प्रसंग है उस दिन का जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने थे और दोनों ही पक्षों में भयंकर तीरों की वर्षा हो रही थी। कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास अर्जुन के हर बाण का तोड़ था। शायद इसी कारण कर्ण को अर्जुन से भी बेहतर बताया गया था। कर्ण ने एक एक करके अर्जुन के सभी तीरों को निरस्त कर दिया था। कर्ण जब अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे थे, उस समय कई तीर अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण को भी लग रहे थे, जिससे उनका कवच टूट गया, और कवच टूट जाने की वजह से कुछ तीर तो उनके कोमल अंगों को भी भेदने लगे। यह सब रथ की ध्वजा को संभाले महावीर हनुमान ऊपर बैठकर देख रहे थे, जिसे देखकर हनुमान जी के क्रोध की सीमा नहीं रही। हनुमान अपने आराध्य के शरीर पर भला तीरों की वर्षा को कैसे सहन कर सकते थे। फिर क्या, वे तुरंत ही रथ से कूद पड़े और कर्ण को मारने उसकी तरफ दौड़े, जिसे देख कौरवों की आधी सेना डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। और सिर्फ यही नहीं, पांडवों की भी सेना बजरंगबली के क्रोध से भय खाकर इधर उधर भागने लगी। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत हनुमान जी को स्पर्श करते हुए रोकने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप किस वजह से क्रोधित हुए हैं, पर आप ये ना भूलें कि मैंने आपको महाभारत के युद्ध में हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं दी है, अतः आप कृपया अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे बजरंगबली, ये त्रेता युग नहीं है जहां आपके तेज को कोई सहन कर सके। इन लोगों में आपके क्रोध को क्या आपके तेज तक को सहन करने की क्षमता नहीं है, अतः अपना क्रोध त्याग दें। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट नैन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नैन स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।